दोस्तों, क्या आप अपने फोन में किसी भी ऐप को हाइड करना चाहते हैं? अगर आप अपने फोन में किसी भी ऐप को छुपाना चाहते हैं तो फिर आज की इस वीडियो को आप अंत तक वॉच कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे हम अपने फोन की होम स्क्रीन पे हैं और यहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी ऐप को अपने फोन में छुपा सकते हैं, उसे हाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने फोन में किसी भी ऐप को हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए आप अपने फोन में सेटिंग्स को ओपन कीजिएगा। और दोस्तों, सेटिंग्स ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एप्स का। दोस्तों, मेरा फोन एमआई का है इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। अगर आपका फोन ओप्पो, वीवो या फिर रियलमी का होगा तो यहाँ पे माई एप या फिर मैनेज एप लिखा हुआ आ सकता है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा एप्स पे। दोस्तों, अगर आपके फोन में ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो फिर आप यहाँ पे अगर एप लॉक लिख के सर्च कीजिएगा तो ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एप्स पे और इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं एप लॉक यहाँ पे। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एप लॉक करने के तरीका नहीं बता रहा हूँ, आपको मैं एप को हाइड करने का तरीका बता रहा हूँ। इसलिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा टर्न ऑन और इसके बाद यहाँ पे आप अपने फोन में एक बार पैटर्न बना लीजिएगा। आप वो पैटर्न मत बनाइएगा जिससे आप अपने फोन को अनलॉक करते होंगे, आपको यहाँ पे नया एक पैटर्न बना लेना होगा। यहाँ पे मैं एक पैटर्न बना ले रहा हूँ और इसके बाद फिर से एक बार मैं पैटर्न बना ले रहा हूँ। इसके बाद आपको क्लिक करना होगा नेक्स्ट। और यहाँ पे दोस्तों, मेरा फोन एमआई का है इसलिए यहाँ पे ये एमआई अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका फोन कोई और कंपनी का होगा तो यहाँ पे एमआई अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे हम क्लिक करें नोट नाउ। और नोट नाउ पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको फिर से क्लिक करना होगा नोट नाउ, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे ये जितने भी टिक लगा हुआ है ऐप के सामने, आप इसे यहाँ से अनटिक कर दीजिएगा। और अनटिक कर देने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा यूज ऐप लॉक। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप चाहें तो अपने फिंगरप्रिंट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, ऐप लॉक और हिडन ऐप। तो यहाँ पे हमें अपनी ऐप को हाइड करना है इसलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं हिडन ऐप पे। और यहाँ पे अब आपके फोन में जितने भी ऐप इंस्टॉल्ड होते हैं वो सब के सब यहाँ पे आ जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से मैं ट्रूकॉलर, व्हाट्सएप, फ्लिपकार्ट और इसके बाद यहाँ पे ये इंस्टाग्राम है और इसके बाद यहाँ पे ये एमएक्स प्लेयर है, इन सभी ऐप को मैं यहाँ से हाइड कर दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं फेसबुक और मैसेंजर को भी हाइड कर रहा हूँ। इतना कर देने के बाद दोस्तों, अब ये ऐप हमारे फोन से हाइड हो जाते हैं। तो यहाँ से हम आते हैं अब बैक और इसके बाद एक बार हम फिर से आ जाते हैं बैक। तो देखिए दोस्तों, अब हमारे फोन से ट्रू कॉलर, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सभी के सभी हाइड हो गए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब हमारे फोन में कहीं भी व्हाट्सएप या फिर फेसबुक या फिर ट्रू कॉलर ये नहीं है, ये सब के सब हाइड हो गए हैं। दोस्तों, अब आप इन सभी ऐप को अनहाइड करना चाहें तो आप इसे अनहाइड कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, इसे अनहाइड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे इस स्क्रीन पे कहीं पे भी, जैसे फोटो को जूम किया जाता है अपने फिंगर से, तो आपको सिंपली इस फिंगर पे जूम करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे इसे जूम कर रहा हूँ यहाँ पे अपनी दो अंगुली से यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से आपको पैटर्न बनाना होगा। आप जो यहाँ पे पैटर्न बनाए हैं आप यहाँ पे वो पैटर्न बनाइएगा। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये दिखलाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि ये सेफ मोड होता है, आप जितने भी ऐप को हाइड किए रहते हैं वो सब के सब यहाँ पे आ जाता है। तो इसे अनहाइड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है मैनेज हिडन ऐप, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ से फिर आप इन सभी ऐप को अनटिक कर दीजिएगा तो यहाँ से ये सभी ऐप यहाँ से फिर से आ जाएंगे। अब यहाँ से अगर हम सीधे इसे कट करते हैं तो देखिए, यहाँ से अब ये सभी के सभी ऐप आ गए हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी, आपके हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपना दोस्तों में, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में। और ऐसे सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।